शिवाय नमस्तु। मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में। कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है। तब पता होता है। ध्यान से सुनिए, दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? मंगल। जम के बोलो जरा। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं, ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर, उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर रहे हैं। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा। मंगलवार। समर्पित करो, उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ने ही नहीं आती। बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है, पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है। पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी, भैंस के घी का मत जलाना, हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो तीन पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय, 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन तीन पाठ रोज करो, एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर, प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठ कर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे जिस कामना से आपने पाठ करा है, बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाएंगे, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखें, अपने साथ में। रोज आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में एक बार या दो बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, माता शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में दो बार चढ़ाओ, हफ्ते में एक बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में दो बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिव जी के शिवलिंग पर, और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिव जी पर जल चढ़ाया, जैसे
ये शिवलिंग, इस पर जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहां गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहां से जल नीचे गिरता है वहां। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है। प्रश्न सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।